समन्तरम रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समुदारणम बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदाओ नहीं ते ठाओ नात सबीस खिराज न माल खौफ न खता न तरस जवाल अब मोहे खूब वतन गह पाई ऊहा खैर सदा मेरे पाई कायम दायम सदा पात साई दोम ना सेम एक सो आई आवादान सदा मसहूर ओहा गनी बसे ममूर त्यों त्यों सैल करे जो पावे महर महल ना को अटकावे कही रवदास खलास चमारा जो हम सहरी सुमीत हमारा। परम सत्कार जो गुरु प्यारी सत्संग जीओ सारी संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। सहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की पावन बाणी का शब्द है जिस विच गुरु जी ने जीवन के सच्चे आनंद की गल की है। जदों पातशाह जी इस दुनिया विच आए संसार विच आए जदों उन्होंने थोड़ी जी होश संभाली तो उन्होंने देखा हर इंसान का जो जीवन है गम्मा भरिया जीवन है ते हर एक नूं कोई ना कोई दुख है हर एक नूं कोई ना कोई घबराहट है हर एक नूं कोई ना कोई चिंता है हर एक नूं कोई ना कोई डर है छोटे नूं वड्डे दा डर है। इसे तरह गरीब नूं अमीर दा डर है। पातशाह जी ने मन ही मन सोचिया क्यों ना कोई ऐसा वतन होवे जिथे ना तां इह कोई गम होवे ते ना इह दुख हो। आखिर गुरु जी ने ऐसी अवस्था नूं टूंढ ही लिया ते उन्होंने दुनिया दे लोकां नूं कहा कि ऐ दुनिया दे लोको ऐ संसार दे लोको मैं एक ऐसा वतन लभ लिया है मैं ऐसा शहर लभ लिया है जिथे कोई भी गम नहीं है कोई भी दुख नहीं है जिथे अंदो चिंता नहीं है जिथे तसबीस घबराहट नहीं है जिथे माल जायदादां दे झगड़े नहीं हन जिथे खौफ किसी नूं सूटे दा वड्डे दा डर नहीं है खता जिथे कोई पाप नहीं हुंदा तरस जवाल जिथे कोई तरस जोग नहीं है वो मेरा एक ऐसा वतन है उथे आनंद ही आनंद है सुख ही सुख है। कि तुसी भी मेरे उस वतन च जाना चाहोगे तो उस वतन च ओ लोग ही जा सकते ने उस बेगमपुरे च ओ ही वास कर सकते ने जिन्हां च ऐ गुण होणगे कि कायम दायम सदा पातशाही दोम ना सेम एक सो आई आवादान सदा मसहूर ओहा गनी बसे ममूर मेरे उस बेगमपुर दे वासी गणी लोग होंगे
गनी दा पाव तनी लोक अमीर लोक, केड़ी अमीरी जिना विच सोच दी अमीरी हुई, जिना ने नाम दा तन कमाया होवेगा वो मेरे बेगमपुर दे वासी होंगे, उन्हां नू कोई भी दुख नहीं होवेगा। हुण इत्थे सवाल उठदा है कि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां नू कोई दुख नहीं हुंदा। गुरु प्यारी सतसंगत जी इहदी पुष्टि गुरु जी दे गए ने कि आवादान सदा मसहूर ओहा गनी बसे मामूर, मेरे उस सोहने सुंदर शहर दे वासी ओही होणगे जिहड़े गनी होणगे अमीर होणगे। केड़ी अमीरी? नाम दी अमीरी, जिन्हां ने नाम दा तन कमा लिया। गुरु प्यारी सतसंगत जीओ, जो साडे मना च सवाल उठ रहा है कि जेडे नाम जपदे ने उन्हां ते कोई दुख नहीं आउंदा, गुरु जी ने इत्थे बड़ी सोहनी गल कह के समझा दिता है कि जेडे गनी हुंदे ने उन्हां नूं वाकया कोई दुख नहीं हुंदा। जिन्हां के पास नाम दा तन हो, बेसक मुसीबतां उन्हां ते भी आउंदियां ने, पर उन्हां नूं मुसीबतां दे चलन दा उन्हां च बल हुंदा है। जिस तरह जदों भी महंगाई वधदी है तो सभना लई वधदी है, ये नहीं है कि एक गरीब लई वधदी ते अमीर लई नहीं वधदी, महंगाई तो अमीर लई भी वधदी है, पर जिहड़ा अमीर है वह महंगाई तो दुखी नहीं हुंदा। क्यों? क्योंकि उस दे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। बेशक वो जिहड़ा इंसान है उदे लई 100 रुपये किलो आटा क्यों हो जाए फिर भी वह दुखी नहीं हुंदा। कारण यह है कि उदे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इस तरह जिन्हां ने नाम दा तन कमा लिया, ये नहीं है कि मुसीबतां उन्हां ते नहीं आउंदियां, उन्हां ते भी आउंदियां ने, पर नाम जपन वाले च बल आ जांदा है, मुसीबतां दा टाकरा कर सकदा है।